नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोस्वामी। आज हम वीडियो बना रहे हैं फॉग लैंप के ऊपर। दोस्तों, आपने मेरी पहले भी एक वीडियो देखी होगी फॉग लाइट के ऊपर। उसमें दोस्तों हमने बल्ब को चेक करना और बल्ब को रिप्लेस करना बताया है। ये वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें हमारा बल्ब भी सही है और यहाँ पर वोल्टेज भी नहीं आ रहा है, और इसके बाद में हमने फ्यूज़ भी चेक किया तो फ्यूज़ में से भी कोई ख़राबी नहीं निकली, फ्यूज़ भी हमारा सही था। तो अब दोस्तों हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट कहाँ पे है, कहाँ से इसमें करंट नहीं आ पा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों हमारा सबसे पहला शक जाना चाहिए हमारे फॉग लैंप के ऊपर। तो फॉग लाइट को हम खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा बटन ऑन करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर अर्थिंग का और यहाँ फेस का यानी डीसी में हम मल्टीमीटर लगा के चेक करेंगे कि इसमें हमारा वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज में लगाएंगे। हमने जो है वहाँ पे बटन ऑन कर दिया है, और बटन ऑन करने के बाद में हम ये ब्लैक प्रॉब अर्थिंग पे लगाएंगे और रेड वाली प्रॉब जो है हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ हमको प्लस सप्लाई मिलेगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है, यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है। इसका मतलब हो सकता है कहीं फ्यूज़ से लाइट जो है फ्यूज़ से सप्लाई नहीं आ रही हो या हमारा फ्यूज़ ख़राब हो। तो और देखिए दोस्तों, हम बल्ब भी चेक कर लेते हैं। तो बल्ब चेक करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसको हम कंटिन्यूटी पे लगाएंगे और एक वायर जो है, एक प्रॉब हम यहाँ पे लगा देंगे इसकी अर्थिंग पे, और दूसरा जो प्रॉब है उसको हम इस टर्मिनल पे लगाएंगे। तो ये बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो अगर बीप की आवाज़ आती है, इसका मतलब हमारा बल्ब सही है। दोस्तों बल्ब सही है, सर यहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है। तो हम अब हमारा शक जाएगा फ्यूज़ की तरफ। अब दोस्तों हमें अब फ्यूज़ चेक करना होता है। तो फ्यूज़ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अपनी जो इंस्ट्रक्शन गाइड जो है हमारे पास, मैनुअल गाइड फोर्ड फिएस्टा की, उसको हम देखेंगे उस किताब में। तो इस किताब में पूरा इसका डायग्राम दिया हुआ है कि कौन सा फ्यूज़ कहाँ पर लगा हुआ है और कौन सा फ्यूज़ किस काम आता है। तो उसकी पूरी ये जो पूरा सब डिटेल में दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो है फॉग लैंप ख़राब है, फॉग लैंप में सप्लाई नहीं आ रही है। तो ये कहाँ हो सकता है, ये देखिए दोस्तों, ये है फॉग लैंप, और फॉग लैंप में जो है ये 20 एम्पियर का फ्यूज़ लगेगा और ये F50 पर मौजूद है। तो F50 यहाँ पर कहाँ है डायग्राम पर, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है F50। तो यहाँ पर हमारा वो फ्यूज़ है जहाँ पे जो है इसकी सप्लाई आएगी। तो 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे। अब दोस्तों हम तीसरे नंबर पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमको ग्लोब बॉक्स ओपन कर देना है। तो मैंने ये ग्लोब बॉक्स बाहर निकाल दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा बोर्ड है फ्यूज़ का, जिसमें कि ये देखिए 1, 2 और 3, ये तीसरा नंबर का जो है ये फ्यूज़ उस पर काम करता है फॉग लैंप पर। तो अब हम इसको चेक करते हैं दोस्तों। इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम फ्यूज़ को बाहर निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद में हम कंटिन्यूटी से जो है मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। तो हमने कंटिन्यूटी पर लगा दिया है। इसके बाद में हमको फ्यूज़ को इस तरीके से चेक करना है, इसके दोनों सिरों पर हम इसको लगाएंगे तो ये बीप की आवाज़ इसमें आ जाएगी। तो बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारा फ्यूज़ सही है। और अब जो है हम फ्यूज़ चेक कैसे करेंगे कि ये सप्लाई अब कहाँ पहुँचनी चाहिए, फ्यूज़ लगाने के बाद जो है हमारे स्पीडोमीटर पे इसका जो है इंडिकेशन बल्ब जलना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही हमने फ्यूज़ लगाया, तो ये इंडिकेशन जो फॉग लैंप का है, रियर का जल रहा है और फॉग लैंप का नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों हमारे स्विच से ही अब कनेक्शन कहीं गड़बड़ है, क्योंकि फ्यूज़ लगाने पर ये काम कर रहा है सही तरीके से। अब हमको दोस्तों स्विच चेक करना होगा, क्योंकि स्विच से ही जो है कहीं से कनेक्शन गड़बड़ है। तो पहले हम स्विच को बाहर निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से चेक किया जाता है, जिस तरीके से आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आप भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अब क्या है दोस्तों कि फ्यूज़ से जो है सबसे पहले सप्लाई इस बटन पर आती है, और बटन के बाद में फिर फॉग लैंप पे जाती है।
तो सबसे पहले तो हमको इस बटन को निकालना पड़ेगा। इसको निकालने का तरीका दोस्तों क्या होता है, तो देखिए दोस्तों ये ग्लोव बॉक्स बना हुआ है, इसको हमें सबसे पहले खोलना होगा। तो जब हम इसे बाहर ऐसे निकाल देंगे तो इसके अंदर हाथ डाल के जो है हम इसके वायर चेक कर सकते हैं, लेकिन ये अभी इस तरीके से निकलेगा नहीं। हमको निकालने के लिए हमको किसी भी स्क्रू ड्राइवर से या किसी पेंचकस की मदद से हमको ये इस तरीके से निकालना पड़ेगा। हालांकि मैं ये पहले से निकाल चुका हूँ, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ निकाल के निकालने का, कि इसमें जो है आप पेंचकस से इस तरह से करके निकालेंगे और अंदर से जो है हाथ डाल के इसको धक्का प्रेस करेंगे, धक्का मारेंगे, तो ये जो है बाहर इस तरीके से निकल आएगा। ऐसे बाहर जो है ये निकल आता है। देखिए दोस्तों ये इतना बड़ा स्विच होता है, ये इसका मैकेनिज़म काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी बड़ा स्विच है ये। तो अब इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ये हमको कैसे पता करना है कि इस स्विच से ही प्रॉब्लम है या कहीं और जगह से प्रॉब्लम है, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये मैंने जो है बटन, ये स्विच जो है पूरा ये मैंने खोल दिया है, तो इसको हम ऐसे खोलेंगे और इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये स्विच इस तरीके से देखने में ऐसा है, और ये इसके टर्मिनल हैं, ये देखिए आप, यहाँ पे पीछे जैक लगता है, देखिए ये जो है ये जैक इसमें फिट हो जाता है। और अब देखिए दोस्तों इसका सर्किट जो है, सर्किट बोर्ड भी है वो ये है, ये एलईडी हैं जो कि एलईडी इसकी सब मैंने चेक की है, सारी एलईडी जलती हैं इसकी। और ये है इसका प्रीसेट रजिस्टर जो कि हमारी यहाँ पर, ये देखिए ये लाइट को अप डाउन करने में काम आती है, ये यहाँ से ये घूमता है। और ये जो हमारा स्विच है इसमें से कोई एक पॉइंट काम नहीं कर रहा है। ये हमने कैसे पता किया दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों हमको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मल्टीमीटर को जो है हम डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे लगाएंगे। इसको लगाने के बाद में हम गाड़ी की चाबी ऑन करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम मल्टीमीटर की मदद से चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये देखिए ये हमारा माइनस का पॉइंट है और ये है प्लस सप्लाई। तो ये देखिए आप, ये यहाँ पे हमारे सारे वोल्टेज आ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज आएंगे, जैसे ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक माइनस है और दो टर्मिनल इसके प्लस के हैं। तो ये देखिए ये प्लस और ये प्लस, ये वाला माइनस है। तो इस तरीके से इसमें परमानेंट जो है सप्लाई हमारी आती रहती है, एक दो तीन, ये दो पर प्लस एक पर माइनस। ये देखिए ये माइनस है, ये दोनों प्लस 12 वोल्ट हैं, ये माइनस है और ये प्लस 12 वोल्ट है। अब हमारे पास जो है, अब स्विच का काम क्या होता है दोस्तों, स्विच हमारा क्या काम करता है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो एक दो तीन, ये तीन टर्मिनल पर वो कनेक्शन देता है और एक ये चौथा टर्मिनल है इस पर कनेक्शन देता है। कब देता है, जब हम उसको, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करता है हमारा स्विच। हमारा स्विच दोस्तों इस तरीके से काम करता है, जब हम, ये हमारा ये ऑफ में है, अभी हमारा ऑफ पोजिशन पर है, तो जब हम पहली बार ऐसा करेंगे तो ये हमारी सप्लाई जो है ये हमारे एक टर्मिनल पे पहुंच जाएगी, इससे हमारी पार्किंग लाइट जल जाती है, ये पहला टर्मिनल ऑन हो जाएगा हमारा। दूसरी बार जब हम इसको घुमाएंगे हमारी हेडलाइट इसमें ऑन हो जाएगी, तो जो है ये दूसरे वाले टर्मिनल पे ये सप्लाई दे देगा। इसके बाद में फिर इसका काम क्या होता है, इसको पुल करना, खींचना। तो एक बार खींचेंगे तो ये फॉग लैम्प के लिए हमारी सप्लाई ऑन करेगा, एक बार और खींचेंगे तब ये पीछे की जो लाइटें होती हैं उनको ऑन कर देगा। तो इस तरीके से ये हमारा स्विच काम करता है। तो एक दो और तीन चार, चार बार इसको ये चालू करेगा, चार बार जब हम उसको पूरा खींच देते हैं तो ये सारे चारों टर्मिनल पर जो है ये सप्लाई दे देता है। तो अब देखिए दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक, देखिए दोस्तों एक दो तीन और ये चार, जब हम सारा उसको स्विच को घुमा देंगे तो ये एक एक करके जो है ये चारों पर सप्लाई दे देगा।
तो अब हमको कैसे चेक करना है कि हमारा जो फॉग लैंप की जो सप्लाई थी वो किस टर्मिनल पे ये देता है। तो इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, एक जम्पर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अब जम्पर वायर से आपको बताता हूँ, ये है मेरे हाथ में जम्पर वायर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम प्लस की सप्लाई लेंगे और इसके बाद में हम इस पे चेक करेंगे, इन तीनों में चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, 1, 2, 3 इस तीन में और इसमें चेक करेंगे, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि कौन सी लाइट हमारी प्लस सप्लाई यहाँ पे पहुँचने पे जलती है। जैसे कि हमने इस पे लगाया और अब मैं इस पे लगाऊंगा तो ये देखिए आपको इंडिकेट हो जाएगा ये हमारे स्पीडोमीटर में। तो मैं आपको स्पीडोमीटर में दिखाता हूँ, जैसे ही मैं इसको इस टर्मिनल पे टच कर रहा हूँ तो ये देखिए ये है हमारा रियर लाइट का इंडिकेशन बल्ब। तो ये हमारी बैक लाइट इससे जल जाएगी। तो मैंने ये जम्पर वायर यहाँ पे लगाया तो ये इसने इंडिकेशन दे दिया, तो ये जो था पॉइंट ये रियर लाइट का था। इसी तरीके से जब मैं इस पर मैं लगाऊंगा तो हमारा जो है अब जो है हमारा ये वाली यानी ये ही हमारी फॉग लैंप की लाइट है। अब ये फॉग लैंप में जो है इसमें कनेक्शन आ गया। तो अब हमें ये पता चल गया दोस्तों कि ये जो हमारा जो टर्मिनल था सप्लाई यहाँ पे पहुँच जाएगी तो हमारा फॉग लैंप चालू हो जाएगा, और यहाँ पर सप्लाई पहुँच नहीं रही है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये देखिए आप थोड़ा गौर से देखिए कि ये जो हमारा जो टर्मिनल है ये जल गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये जल गया है। और इसी तरीके की सेम पोजीशन यहाँ पर भी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये तीसरा नंबर का पॉइंट है, ये आप अगर गौर से देखेंगे तो ये जला हुआ दिख रहा है, यानी कि ये जो है सप्लाई इस पॉइंट तक नहीं पहुँचा पा रहा है। इस वजह से हमारा फॉग लैंप काम नहीं कर रहा है। तो अब अगर हम दोस्तों इस पूरे स्विच को ख़रीदने जाएंगे मार्केट में, इस पूरे स्विच को अगर हम मार्केट में ख़रीदने जाएंगे दोस्तों, तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। तो आपकी इच्छा है, आप इसको नया डलवा सकते हैं। मैंने तो फॉल्ट ढूंढना आपको बता दिया है, लेकिन मैं इसको नया नहीं लगाऊंगा, मैं इसको जुगाड़ से बनाऊंगा। और अगर आप भी इसको जुगाड़ से बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो आप स्किप ना करें, मैं आपको बताते जाऊंगा इसको कैसे जुगाड़ से बना सकते हैं। इसको मैं एक ही बटन से, जैसे कि हमारा पीछे का रियर बल्ब जिससे जलता है उससे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो जब हमारा रियर बल्ब ऑन होगा, पीछे वाला बैकलाइट बल्ब ऑन होगा, उसी टाइम पे हमारे फॉग लाइट भी ऑन हो जाएगी। क्योंकि इसको पार्किंग लाइट के साथ में हम इसको अटैच नहीं कर सकते, ना ही इसको हम हेडलाइट के साथ इसको कंबाइंड करेंगे, तो रियर के साथ में करना ज़्यादा सही रहेगा। तो अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसका जो हमको पता तो चल ही गया है कि ये वाला टर्मिनल पे जो है हमारा लाइट नहीं पहुँच रही है, और ये इसके बगल में देखिए दोस्तों, ये है हमारी फॉग लाइट की और ये है बैक लाइट की। तो इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पे तो सप्लाई आ जाती है, यहाँ पे नहीं आती है, तो मैं इसका तार निकाल के यहाँ से अटैच कर दूंगा। तो हमारा स्विच जब इस पे लाइट देगा, हमारा जब स्विच इस पे जब कनेक्शन देगा या इस पे जब लाइट देता है, वो कनेक्ट करेगा इसको, तब हमारा इसके साथ में ये भी अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा और हमारा फॉग लैंप जल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो इसको कनेक्ट करने के लिए देखिए दोस्तों, मैंने इसको पीछे से तार को काट दिया है, और अब मैं इसके बगल में जो ये रियर वाला है उसमें मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा मैं वायर को छील देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पीछे से जो वायर ख़राब था, जहाँ पे कनेक्शन नहीं पहुँच पा रहा था, उस वायर को मैंने ये काट दिया। ये देखिए, ये वाला वायर है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया है। और ये जो बगल वाला वायर है, ये पीछे की बैकलाइट वाला वायर है, इसमें स्विच के द्वारा कनेक्शन पहुँच रहा था, तो इसको मैंने ये देखिए यहाँ से ये छील लिया है। और ये जो वायर है ये मैं इसके साथ में अटैच कर दूँगा, ये देखिए इसके साथ में। तो अब क्या होगा दोस्तों, हमारा जो बटन है वो बैक लाइट में काम कर रहा है, फॉग लाइट में काम नहीं कर रहा है। तो अब हमारा जो है ये फॉग लाइट में भी काम करने लगेगा, क्योंकि जैसे ही हमारा पीछे की जो बैक लाइट जलेगी
तो उसके साथ में हमारा फॉग लैंप भी चालू हो जाएगा। तो ये है जुगाड़ का काम दोस्तों। अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप नया जो है आप स्विच खरीद सकते हैं। तो मैंने इसका स्विच जो है काफ़ी महंगा भी आता है दोस्तों, इसको ख़रीदने से अच्छा तो आप इसको इसी तरीके से आप बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है, अब मैं इसको टाइट कर देता हूँ। अब दोस्तों इस इंसुलेटिंग के लिए हमको इसमें टेप लगा देना चाहिए कि ये वायर किसी और से टच ना हो पाए। तो इस तरीके से हम इसमें टेप लगा देंगे दोस्तों, और इसके बाद में मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से हम सॉकेट ऐसे निकाल लेंगे बाहर, ये हमारा सॉकेट इस तरह से निकल आया है। अब हम इस स्विच को लगाएंगे, इसमें उल्टा सीधा सिस्टम होता है दोस्तों। तो ऐसे फिट कर रहा हूँ, उसी तरीके से निकालने का भी तरीका बहुत आसान था। ये देखिए आप, बहुत आराम से ये फिट हो गया है। इसको निकालने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये पेचकस से इस तरीके से ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं हम बाहर, ऐसे पकड़ के बाहर निकल आएगा ये। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्विच जो है अब काम करने लगा है। तो ये यहाँ पर है, इसको हम सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मैंने इसको ऑन किया, ये हमारी पार्किंग लाइट ऑन हो चुकी है। ये देखिए उसका सिंबल, ये पार्किंग लाइट हमारी ऑन हो चुकी है। दूसरी बार हम इसको घुमाएंगे तो ये देखिए हमारी हाई बीम वाली ये हेडलाइट बल्ब जो है ये चालू हो गया है। अब तीसरी बार जो है हमको ये, एक बार हम खींचेंगे तो, क्योंकि ये तीसरी बार का जो फॉग लैंप का जो सिस्टम होता है वो हमारा ख़राब था, तो उसमें हमारा कोई भी इंडिकेशन नहीं आया। वैसे यहाँ पर आना चाहिए था अगर हमारा स्विच सही होता तो, लेकिन अभी नहीं आया। अब हमने जो है चौथे नंबर पे जो है इसको हमने आपस में अटैच कर दिया है, तो हमारा एक ये फॉग लैंप का और एक ये बैक लाइट का, ये दोनों एक साथ में सिंबल जल जाएंगे। देखना आप, ये देखिए ये फॉग लैंप का चालू हो गया है, और ये देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा टेल लैंप का, बैक लाइट का। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको जुगाड़ से सही कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको फॉग लैंप को बंद करके और चालू करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बंद हो गया होगा, और अब मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये चालू हो गया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने स्विच को सही कर सकते हैं। और अब दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ कमेंट करें। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।